कैसा है मंडली भरतना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके भाई के चैनल पे। तो आज हम जाने वाले हैं एक और नए ट्रैक के लिए, जो हम जाएंगे तांदुलवाड़ी फोर्ट। पिछले टाइम पे नहीं जा पाया था इसलिए आज जल्दी निकला हूँ मैं, और पिछले टाइम पे थोड़ा रूट का भी प्रॉब्लम था, बट ये टाइम पे हम सही रूट से जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, एज यूजुअल हमें दहानू की ट्रेन पकड़नी है। दहानू की ट्रेन पकड़ने के बाद हमें उतरना है सफाले, और सफाले से तांदुलवाड़ी फोर्ट के लिए हम लोग को जाना है। सो वहाँ से एक मिनी बस या फिर ऑटो जो भी होगा वो उसमें हम बैठ के जाएंगे। तो मैं तो अकेला जाता हूँ, बट आज अकेला नहीं जा रहा हूँ, आज मेरा दोस्त है ध्रुव भाई, तो ये भी मेरे साथ ट्रैक के लिए आया था। इसको भी ट्रैक अच्छा लगता है, तो इसने वीडियो देखी तो ये बोला था कि मुझे भी आना है आपके साथ, इसीलिए हमने तय किया है कि आज ध्रुव भी जाएगा। और मैंने जैसे बोला था कि तांदुलवाड़ी के ट्रैक के लिए ना आपको एक दोस्त ज़रूरी है, तो इसीलिए ध्रुव भी आया मेरे साथ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं स्टेशन की ओर। स्टेशन में जाके आपको टिकट निकाल के मिलते हैं, और वहाँ से आप ट्रेन में सफ़र आपको देखते हैं। ओके, सो गाइज फाइनली लोकल आ गई है, और ये थोड़ी अलग सी लोकल है, मेमो लोकल। सो हम लोग को यहाँ से जाना है मेमो लोकल से ट्रैवल करते हुए सफाले, और सफाले से तांदुलवाड़ी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, ट्रेन में लेकिन लेट है, हम लोग घुस रहे इसकी मेमो में। काफी बढ़िया मुंबई के लोकल हम लोग यहाँ पे आ गए हैं सफाले में, और अभी सफाले से तांदुलवाड़ी के लिए अगर आपको जाना है ना तो हम लोग को यहाँ से ईस्ट की तरफ जाना है। ईस्ट की तरफ जाके हम लोग को जो है वो बस मिल जाएगी, या फिर शेयरिंग जो भी है ऑटो और ये सब चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ से जाने के बाद हम लोग अभी किले को ट्रैक में चेंज कर रहे हैं इधर से, तो ये अभी उनका गाड़ी वाड़ी का निकल गया। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे इकड़न जाना तांदुलवाड़ीला, तो बाबू इकड़े इको विको का भेटे कसा भेटे त्यानंतर अपन इधर तांदुलवाड़ीला। तो दोस्तों अभी तांदुलवाड़ी जाने के लिए हम लोग यहाँ पे बस में बैठे, तांदुलवाड़ी की बस है। यहाँ पे दो टाइप की बस मिल जाएंगे, एक तो वरई जाने वाली, तो तांदुलवाड़ी फाटा पे आपको उतर दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको चल के जाना पड़ेगा। दूसरी डायरेक्टली तांदुलवाड़ी की रहती है, तो 9:30 की बस रहती है यहाँ से, तो डायरेक्ट आपको तांदुलवाड़ी के अंदर चल जाएंगे। अभी आधा घंटा रुकने में कोई लाइक अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ से। चलने के बाद भी थोड़ा ट्रैकिंग जाना है, तो इसलिए थोड़ा 10-15 मिनट में चल जाएंगे, तो थोड़ा टाइम बच रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ, टिकट बहुत कम ही रहेगा, 20 रुपये में हम लोग चले जाएंगे, ऐसे ज़्यादा टिकट नहीं रहेगा। तो वहाँ पर जाके आपको ऊपर का जो नज़ारा है वो हम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो ट्राई करेंगे अच्छे से अच्छा जाके फैमिली में। ठीक है, तो अभी बस में हम लोग बस से निकल रहे हैं, आगे जाके यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। तर मित्रांनो, आपण आता आलेलो आहोत तांदुळवाडी स्टॉपला, तुम्हाला इकडे थांबायचं आहे। इकडून जी आहे ना ती बस येणार ह्या साईडून, आणि ह्या साईडून आपल्याला जायचं आहे आतमध्ये इकडे, आणि इकडे जाऊन चालत चालत आपल्याला जायचं आहे, आणि चालत चालत आपल्याला गेल्यानंतर काही वेळाने आपल्याला फोर्ट साईडला जायला मिळणार। सो आता आपण फटाफट इकडून जाऊया तांदुळवाडी फोर्टला, कारण का आपल्याला ट्रेक करायला थोडं लाईक टाईम लागेल, आणि इकडे जंगल एवढं खूप भयानक आहे, तर आपल्याला आतमध्ये गेल्यानंतर तर जंगलामध्ये अजून खूप सारं जंगल असेल। सो मी तुम्हाला दाखवतो, टेन्शन घेऊ नका।
तुमचा भाऊ आहे इथे, तर आता नवीन नवीन आपल्यासाठी व्हिडिओ येतच राहणार आहे. सो निकल रहे हम लोग तांदुळवाडी फोर्ट के लिए. और यहाँ पे जंगल देखो गाइस, अभी इतना जंगल है और ये पूरा गांव है. ट्रांसपोर्ट का थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे, बट ठीक है, अभी हम लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. चलते हैं, चलो मिलते हैं आपको. फटाक से मैं यहाँ से निकलता हूँ, जाके डेस्टिनेशन पे जाके फिर से वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग. ओके, तर मित्र हो, आता आपण पोचलेलो आहोत पायथ्याशी तांदुळवाडी फोर्टच्या, तांदुळवाडी किले के. हम लोग जस्ट अभी लाइक नीचे वाले हिस्से में है, और यहाँ पे आपको एक बोर्ड भी मिलेगा जो होगा किले तांदुळवाडी, ये देखो. तो ये बोर्ड से हमें जाना है इस तरफ. तो मैं और मेरा दोस्त ध्रुव निकल पड़े. ध्रुव का अभी भी अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुई ट्रैकिंग और भूख लगी है इसको. यहाँ के लोकल लोग है जो यहाँ से फाटी लेके जा रहे, ये फाटी लेके जाके इसमें लकड़े पे खाना पकाते. तो गांव में मेरे ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें मेरे मम्मी ने भी की है, मैं भी किया हूँ मम्मी को हेल्प इसमें. तो ऐसी कुछ इसमें छोटी बात नहीं है, वर्क होता है. अभी मैं आपको आगे की जानकारी बाद में देता हूँ, फिलहाल तो चलते हैं यहाँ से. ध्रुव भाई, मेरे को बाद में आप क्या पूछ रहे थे? क्या बोले? बाद में क्या पूछ रहे थे? नहीं नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे चढ़ते रहेंगे किले पे, यही पूछा था ना मेरे को. तो भाई बहुत इजीली, बहुत आराम से चढ़ते थे मेरे राजा, कोई दिक्कत भी नहीं होती थी उनको. और हमारे जैसा ये कुछ ये भी नहीं होता था, आराम से चढ़ते थे. और कमेंट में बोल देना छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ये कमेंट में होना चाहिए. तो गाइस अभी हम पहुंचे यहाँ पे मिडल ऑफ द जंगल तांदुळवाडी के, एंड नज़ारे देख सकते हो आप पूरा. ये जो है अभी भी अभी कोहरा ही है. कितना बजा टाइम ध्रुव? टाइम कितना हुआ? 10:15 बजे, फिर भी यहाँ पे कोहरा ही कोहरा है. और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से आगे. हमारे ध्रुव भाई की तो बैटरी हो गई है ख़त्म पूरी की पूरी. चलो, सो आपल्याला आता इकडून जायचं आहे आणि इकडे जायचं आहे. सो ही जी आपल्याला वाट दिसत आहे ना, या वाटेतून आपल्याला इथे पूर्ण वरती जायचं आहे. सो निकलूया आपण इकडून, चलूया. मंडळी, आलेलो आहोत आपण जवळजवळ तांदुळवाडी फोर्टला. आपलं डेस्टिनेशन हे इकडे आहे, अँड खूप एकदम काचकाराकार कूप्स फिलिंग, एकदम रापचिक, एक नंबर ट्रेक, खूप भारी. वरचं लोकेशन तुम्हाला दाखवतो, नाद नाही वरच्या लोकेशनचा, नाद गाईज. इतना अच्छा लोकेशन आहे ना ये, और फेअर भी नाही आहे. 100 रुपीज के अंदर ट्रेकिंग, सिर्फ 100 रुपीज के अंदर, और इतना अच्छी जगह आपको मिल रही है, और क्या चाहिए. यहाँ पे बैठने के लिए भी है, यहाँ पे बैठ सकते हैं आप. मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आराम करने के लिए यहाँ पे चीज़ बनाइए, यहाँ पे आप बैठ सकते हो. कुछ खाना है तो खा सकते हो. तो अभी हम कुछ यहाँ पे खाएंगे, क्योंकि हमारे ध्रुव भाई की तो बैटरी खलास हो चुकी है. ध्रुव भाई ख़त्म हो गए यहाँ पे, इसीलिए मैंने कुछ लेके आया खाने के लिए, फ्रूट्स और कुछ. तो हम खाएंगे, मैं आपको बताता हूँ हम लोग कुछ खाएंगे. ओके, तो अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुक गए. तो ये जो है, ऐसा बोलते हैं कि जिधर भी अगर आप बाहर किधर खाना खा रहे हो तो थोड़ा सा बाहर रखना फैमिली वाले बड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रख रहा हूँ. ऐसे चीटी विटी की भी मजा हो गई, चीटी वाले चीटी लोग को खाना खाने की जरूरत नहीं है, उनका काम हो गया. हम लोग पोटैटो लेके आए और शीरा लेके आए, तो हम लोग खाएंगे अभी यहाँ पे. हम कुछ भी कचरा नहीं कर रहे, सब जितना भी है इधर भी लेके जाए.
तर मित्रांनो आपण एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपण या किल्ल्यांवरती येतो, मजा करतो, पण कधी विचार नाही करत रे की हे जी किल्ल्याच्या पायाचे जी दगडं आहेत ती दगडं आपल्यापेक्षा लकी आहेत रे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पाय रोज पडत असेल रे या दगडांवरती. आणि आपण विचार करा ना की महाराजांची तर आपण किती वर्ष झाली असते, तेवढ्या वर्षामध्ये 400 वर्षामध्ये आपण फक्त मूर्ती बघतो रे महाराजांची. आणि आपल्याला एवढी म्हणजे प्रेरणा येते आणि अंगामध्ये एवढा उत्साह येतो. थोडा विचार करणार यार की ज्या मावळ्यांनी महाराजांना बघितलं असेल आपण तर मरण्याला एवढे घाबरतो भावनो. त्या टायमाला आपल्याला महाराज बोलले असते की माझ्यासाठी एकदम आपण मेलो असतो रे डायरेक्ट, विचारच नाही केला असतं रे, कधी विचारच नाही केला असतं ना आपण, पण डायरेक्ट मेलो असतो. सो आपण आता आलेलो आहोत किल्ल्यामध्ये. इकडे दोन बोर्ड्स आहेत, बघूया आता कुठून जायचं आहे कसं जायचं आहे मी सांगतो तुम्हाला. किल्ले तांदूळवाडी, किल्ले तांदूळवाडी कुठूनही जाऊ शकता आपण, त्या साईडून जाऊ शकता, या साईडून जाऊ शकता. या साईडची जी म्हणजे बघा सांगतो, किल्ले तांदूळवाडी तो आहे तिकडे उजवीकडे, किल्ला तांदूळवाडी राईट साईडला. राईट साईडला ट्रेकिंग जी आहे ती खूप हार्ड आहे, त्यामुळे आपण राईट साईडून जाणार आहोत. लेफ्ट साईडला ट्रेकिंग थोडी नॉर्मल आहे, त्यामुळे लेफ्ट साईडून आपण उतरणार. तो आपण आता चाललो आहे, मी तुम्हाला ट्रेकिंग जी आहे ना ती दाखवतो, कसली मजा येणार आहे. आणि आपण नजारे बघा तिथले, फक्त आजकाल करा कुंभा नजारे एकदम पिचपिलीपिली पीच. सो लेट्स गो. तांदूळवाडी फोर्टच्या मध्यस्थावरती आहे आणि आता तुम्ही हाईट बघू शकता किती आहे, इकडे खूप सारी हाईट आहे, बहुत ज्यादा हाईट है यहाँ पे. और यहाँ पे ये जो ट्रेक अभी तक मैंने किया हूँ वो नॉर्मल ही है, इसके बाद है ना और ऊपर भी जाना है हम लोग को, और ऊपर जाके जाके पूरा ऊपर जाना है. मैं आपको दिखा दूंगा कैसे चढ़ना है यहाँ पे. बघा भावांनो तिकडे जायचं नको, आपल्याला अजून एवढ्या वरती जायचंय, कमीत कमी 3000 फूट खोल. मित्रांनो एक आहे ना इकडे एक गोष्ट असते जी माहिती नाही, आता किती लोकांना माहिती आहे, तर महाराजांचे तर सगळेच आपण बघत आहोत. तुम्हाला सांगतो बघा, आता हा एक डोंगर आहे ठीक आहे, ज्यावरती मी एक आहे तो डोंगर आहे, हा जो आहे ना हा दुसरा डोंगर आहे ठीक आहे. सो आता याच्या मध्ये ना बघा, मी आता जिथे उभा आहे तिथे याच्या या साईडला दरी आहे ठीक आहे, या साईडला पण दरी आहे, दरी तुम्हाला दाखवतो किती खोल आहे. हे बघा पूर्ण दरी आहे, डायरेक्ट 4-5 हजार फूट खाली. सो कसं आहे, एका काकांनी मला सांगितलं होतं की हे जे डोंगर आहेत ना हे वेगवेगळे होते, मावळ्यांनी तिथे भर टाकून ही डोंगर जे आहे ते भरलेलं आहे, म्हणजे त्यांनी भर टाकून हे केलेलं आहे. आता हे किती लोकांना माहिती आहे, त्यांनी जी मला इन्फॉर्मेशन दिली ती मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे, माहिती नाही मला हे कितपत योग्य आहे. जर कोणी त्या संदर्भात विशेष त्यांची टीप द्यायची असेल त्यांना
तर प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये करा. पण त्या काकांनी आम्हाला हेच सांगितलं होतं, ते जवळजवळ त्यांनी खूप सारे किल्ले असेच त्यांनी चढलेले आहेत, तर त्यांनी ही इन्फॉर्मेशन दिली होती. सो आपल्या माहितीमध्ये जर असं काही असेल तर प्लीज सांगा. ऑन द पीक किल्ल्याच्या पूर्ण शिखरावरती आलोय मित्रांनो, जवळजवळ 4 ते 5 हजार फूट खोल. जय श्रीराम. ध्रुव जय श्रीराम. छत्रपती शिवाजी महाराज जय. ओके सो गाईज, आता मी इथून व्हिडिओ बंद करतो. इथून आम्हाला खाली जायचं आहे, खूप डेंजरस आहे ट्रेक. सो आता आम्ही निघतो इकडून. बाय बाय. जाण्याचा रस्ता दाखवतो. एक तिकडे सुद्धा एक फोर्ट आहे त्या साईडला. सो त्या साईडला आम्ही आता नाही जात आहोत, इकडूनच आम्ही रिटर्न जाणार आहोत. दोन किल्ले आहेत, एक त्या साईडून जाऊ शकता राईट साईडून, एक लेफ्ट साईडून. तो मी असं बोलेल राईट साईडूनच जा, लेफ्ट साईडून नका येऊ, खूप डेंजर ट्रेक आहे इकडे. बी सेफ, आरामामध्ये जावा. ओके चला आता आम्ही निघतो इकडून. बाय बाय गाईज. मित्रांनो, उतरताना अवस्था बघा काय झाले. हे तुम्हाला कॅमेरामध्ये आहे ना इझी वाटतंय, हे ना स्ट्रेट आहे, स्ट्रेट आहे बघा. आम्ही असा उभा आहे आणि हे असं आहे स्ट्रेट, आणि हे असेच स्ट्रेट डायरेक्ट 3000 फूट खाली. आणि याची अवस्था बघा. ध्रुव जय श्रीराम बोल के आजा. जय श्रीराम. और ये देखो भाई, मेरा हाथ देखो कितना टाइट पकड़ा हुआ है. वो झाड़ को पकड़ के आ, झाड़ में पाव फंसा और उसको आ जा पकड़ के. सो होप गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा. एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमेंट प्लीज कर देना. जैसे मेरे दोस्त मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं मैसेज पे, सो थैंक यू सो मच. और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये जो है वो हमारा सेकेंड ट्रैक है. फर्स्ट ट्रैक की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है बाबा ट्रैक का, तो वो भी जाके आप देख लेना. वहाँ पे वो बाबा का ट्रैक है वो मिल जाएगा. अभी फिलहाल जो है तो हम लोग यहाँ से उतर रहे. उतरने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा रिस्की है. बाय बाय, टेक केयर, काजी क्या ये तो. बाय. ट्रैकिंग तो हो गया ख़त्म, और पूरा यहाँ पे ना पूरा एनर्जी जो है फिनिश हो गया है. ये ट्रैक जो था बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रैक था, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा हार्ड था. तो आप आज ध्रुव मेरे साथ था, तो ध्रुव भाई आपको कैसा लगा मेरे साथ आज? बहुत मज़ा आया. बहुत मज़ा आया, मज़ा आया. तो मेरे दोस्तों के लिए और अपने फैमिली के लिए कुछ बोलना चाहोगे मेरे बारे में? भाई को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में. बहुत मेहनत लगती है सच में भाई, बहुत मेहनत लगती है. और मैं आया था साथ, मेरे को लगा इजी रहेगा, तो बहुत हार्ड है. बहुत हार्ड है एक्चुअली. क्या है कि अभी गाइज हम लोग को सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैं तो बोलूँगा 250 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए. वो अच्छा है. और लाइक भी करते हैं लोग लाइक भी करते हैं, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना भाई. सो और भी ज़्यादा ट्रैक मैं करते रहूँगा आपके लिए, मेरे लिए और हमारे लिए, इन्फॉर्मेटिव मैक के चैनल के लिए. तो गाइज ऐसे हमारे साथ बने रहना और मिलते रहेंगे. अभी के लिए बस इतना ही. पीस आउट, मचाते रहो. जय श्री राम, जय छत्रपति शिवाजी महाराज. जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. सो आज का वीडियो करते यही खत्म. चलो अब हम लोग जाते हैं, कुछ खाते हैं, और फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि घर को जाने के लिए यहाँ से लगने वाले कम से कम 2 घंटे. तो हम लोग निकलते हैं, आप हमारी वीडियो एंजॉय करो, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट. चलो बाय बाय.